अब बात करते हैं रीवा की, जहां नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 की इंदिरा नगर कॉलोनी सबसे विकसित कॉलोनियों में से गिनी जाती है, लेकिन यहां के भीतर का हाल कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। दरअसल यहां ना तो मीठे पानी लोगों को मिल पा रहा है और ना ही साफ सफाई होती है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपने सबके मदद से पंप हाउस का निर्माण कराया, लेकिन वो भी दुर्दशा का शिकार है। छत ढह चुकी है। स्थानीय लोगों ने अपने से मरम्मत कराकर मोटर लगवाया ताकि किसी तरह से उन्हें समुचित शुद्ध पानी मिल सके, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते ही अपनी दुर्दशा बयां कर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सप्लाई का जो पानी आता है वो गंदा रहता है, जिससे बदबू आती है। परेशान होकर वार्ड के लोगों ने एक सार्वजनिक बोर करवाया और पंप हाउस बनवाकर सप्लाई दी, लेकिन वो भी बदहाली का शिकार हो गया। जर्जर पंप हाउस में पानी भर जाता है, जिसके चलते कोई गंभीर घटना घटित होने की भी आशंका बनी रहती है। मोहल्ले के स्थानीय निवासी रिटायर्ड प्राचार्य ने बताया कि कम से कम 200 घर के लोग हैं जिन्हें इस पंप के द्वारा पानी की सप्लाई होती है, लेकिन बरसात में पंप हाउस गिरने की कगार पर पहुंच गया है, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। ना तो नगर निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है और ना ही जनप्रतिनिधियों का। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से वार्ड नंबर 11 की कॉलोनी के निवासी पानी के लिए मोहताज है। वहीं अपने से जो व्यवस्था कराई गई उसमें भी प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ये इंदिरा नगर में आता है, बरा के नाम से लोग जानते हैं। इस वक्त किनारे एक पुराना पंप है, पंप हाउस बना हुआ है, क्या कैसी स्थिति में बना था और क्या स्थिति है अभी, इसे कैसे पानी मिल पा रहा है? पंप हाउस पहले उधर बना था बोरिंग, उससे सप्लाई होती थी, गर्मियों में सूख जाता था। ये पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी ने की कृपा से ये बोर कराया गया और नया मोटर डलवाया गया, तब से हम लोगों को यही पानी 2-3 घंटे मिलता है। अभी क्या स्थिति है इसकी और कैसे रखरखाव हो रहा है? थोड़ा सा इसमें कमी आ गई, जिसकी वजह से आफत खड़ी हो जाती है, खासकर बरसात में ये पानी भर जाता है तो कोई हिम्मत नहीं करता स्टार्टर के पास जाने की, स्टार्टर भी भीग जाता है। और यहाँ भी देखिए मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, इसकी तोड़ डाले हैं ट्रक वाले। तो कोई जनप्रतिनिधि पार्षद यहाँ नहीं आए, कभी नहीं देखा? कभी नहीं, कभी नहीं, कई बार कहे, सैकड़ों बार, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने लोगों को इससे पानी सप्लाई हो रही, कितने परिवार लगभग पानी पी रहे? कम 150 घर इससे पानी पाते हैं। पानी की कैसे सप्लाई जो आता है, कैसे स्थिति पानी की? पाइप पड़ी हुई है और इसको चला देते हैं मोटर, तो पाइप से जो पानी नगर निगम देता वो कैसा है, अच्छा पानी है? नगर निगम का पानी तो महाबदतर है, उसको अगर कोई सूंघ लेगा अधिकारी तो बेहोश हो जाएगा। कुल मिलाकर पानी की विकराल समस्या है यहाँ, अगर अपने से व्यवस्था भी की गई, अगर थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो ये समुचित पानी की व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही।